नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत है आपका बैक टू द नेचर में। दोस्तों, आपके सजेशंस और कमेंट्स मुझे बहुत पसंद है। मेरी लास्ट वीडियो में आपने मुझसे पूछा था, मैं अपने किचन वेस्ट से जो खाद बनाती हूँ, ऑर्गेनिक या जैविक खाद जो कि मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, वो कैसे बनता है। तो उसी के ऊपर मेरा आज का वीडियो आधारित है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं टी लीफ फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, दुनिया में टी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। 80% टी जो प्रोड्यूस की जाती है उसको खुद डोमेस्टिक पॉपुलेशन कंज्यूम कर लेती है। हम सभी के घर में चाय बहुत बनाई और पी जाती है। ऑलमोस्ट सभी लोग टी पीते हैं, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा, गर्मियों में थोड़ा कम। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा टी लीव्स हर दिन फेंकी जाती हैं। क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम कुछ इस तरीके से इस वेस्ट को मैनेज करके यूज़ कर लेते किसी बेनिफिशियल चीज़ में, जिससे हमारे और अर्थ दोनों के लिए फ़ायदे की बात होती। तो आपको पता होना चाहिए टी लीव्स को एज अ फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है NPK का, जो कि आप मार्केट से परचेज करे हुए फर्टिलाइज़र में ढूंढते हैं। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो NPK का बहुत अच्छा सोर्स होता है यूज़ करी हुई टी लीव्स को भी यूज़ करना। आपने यूज़ कैसे करना है, चाय बनाने के बाद आप इन टी लीव्स को वॉश करके इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद जब आपके पास 4-5 दिन की टी लीव्स हो जाती हैं, उनको आप फिर से अच्छे से 1 या 2 पानी में क्लीन कर लीजिए, जिससे कि उसमें शुगर, मिल्क ऐसी कोई चीज़ ना रह जाए जिससे कि फंगस हो सकता है। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आप इसे छान लीजिए और इसे धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। जब आप इसे धूप में सुखा लेते हैं, सुखाने के 1 या 2 दिन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल पाउडर जैसा फॉर्म आपकी मिट्टी होती है उस तरीके की हो जाएगी। और उसके बाद जिस भी गमले में आप इसे यूज़ करें, उसको थोड़ा सा ऊपर से लूज़ कर लीजिए उसकी सॉइल को, और उसमें 1 से 2 स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बॉइल्ड है तो इसमें उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस का, जितना कि अनयूज्ड में होता है। इसलिए आप 1 से 2 स्पून भी एक भी गमले में यूज़ करते हैं तो कोई ओवरडोज नहीं होगी। इन यूज़ करी हुई टी लीव्स में नाइट्रोजन 4.15% होता है, फॉस्फोरस 0.24% होता है और पोटाशियम 0.25% होता है। मार्केट से जब आप NPK खरीदते हैं तो उनमें भी यही चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आप अपने फ्रूट आने वाले ऐसे पेड़ या फिर हर्ब्स या फिर जो ऐसे फूल आने वाले पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं, उनमें इसे यूज़ करते हैं, तो ये मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बना सकते हैं, क्योंकि इनमें टैनिक एसिड होता है काफ़ी हाई कंटेंट में, जिसकी वजह से जल्दी से फूल आने लगते हैं। जल्दी मतलब ये नहीं होता कि आपने आज डाला और 5 दिन में 6 दिन में, बट 20 to 25 days पेशेंस के साथ आप वेट करें तो आप देखेंगे फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगती है। जब आप टी लीव्स को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगते हैं तो आप देखेंगे आपकी प्लांट की सॉइल का ड्रेनेज अच्छा होने लगेगा, साथ में आपकी जो रूट्स हैं प्लांट की वो हेल्दी होने लगेंगी, क्योंकि इससे एरेशन इम्प्रूव करता है। आपकी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर रिटेन रहने लगता है और साथ में आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में धीरे धीरे रिलीज होते हैं। ये सब होने के साथ साथ आपके डस्टबिन में इतने किलो चाय पत्ती के जो हर हफ्ते जाते थे वो भी हटने लगते हैं। तो ये बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र है जो आप ज़रूर घर पे बना सकते हैं। प्लीज़ इसे बनाइए और अपने प्लांट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करिए। आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपने दिमाग को हमेशा किसी अच्छी चीज़ में ऑक्यूपाइड रखिए, चाहे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, कुकिंग है या फिर कोई और क्रिएटिव काम है जो आपको पसंद है, उनको हमेशा करिए। अपने दिल की सुनिए और अपने पैशंस को हमेशा फॉलो करिए। इस नेगेटिव टाइम में अपने को पॉजिटिव रखने के लिए ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त करिए। और आपके आज के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से किसी नई जानकारी के साथ। मैं हूँ अभिलाषा। थैंक यू।